तो भैया ये आलू की जलेबी बना रहे हो? आलू और दही। तो जी अभी हम आए हुए हैं गोवर्धन में, जहाँ पर आलू की जलेबी बनती है। आलू की जलेबी आपको कहीं नहीं मिलेंगी भाई साहब, यहाँ पर आलू की जलेबी बन रही है। तो भैया ये आलू की जलेबी बना रहे हो? आलू और दही। आलू दही दूध, मतलब मैदा का बिल्कुल भी यूज नहीं है? अच्छा जी, एकदम डिफरेंट चीज, मतलब पहली बार आपको आलू की जलेबी मिल रही है जो कि कहीं नहीं मिलेंगी भाई साहब। ये सिर्फ यहीं पर बनती है? तो ये पेस्ट जो बनाते हो इसमें क्या क्या डालते हो? हाँ जी भाई, ये आलू का पेस्ट है, आलू दही दूध का। इसमें दही भी डालते हो? अच्छा, व्रत में भी यूज कर सकते हो? बाय बाय, ये तो बहुत बढ़िया चीज बना रहे हो आप, मतलब आलू की जलेबी। कब से बन रही है? अनादिकाल। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, 5 सदियां बीत चुकी है इसको बनते बनते। 5 सदियां, तो आप कब से बना रहे हो? हम तो पांचवी पीढ़ी है हमारी। अच्छा जी, पांचवी पीढ़ी है हमारी। अच्छा, पांचवी पीढ़ी हो आप? ये खराब भी राधे राधे जी, राधे राधे। कब तक खराब नहीं होती है? 8 दिन खराब नहीं होती, कहीं भी ले जाओ, ले सकते हैं। 8 दिन तक खराब ही नहीं होती है? ये बहुत दूर हो जाती है यहाँ से। अच्छा, महाराष्ट्र तक जाती है। और आप? बहुत लोग तो जो गणेश रहते हैं वो भी ले जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुकेश भाई जी है। मुकेश जी, तो ये सीख गई? अच्छा, अभी निकालने वाले हो? कलर नहीं आता, नेचुरल लाल होती है। अच्छा, कलर नहीं लगाते? कलर नहीं डालते हो? अच्छा, तो इसके अंदर कोई भी कलर नहीं मिलाया जाता है। बड़ी डिफरेंट चीज है साहब, आलू की जलेबी। तो जी ये बन के तैयार हो गई आलू की जलेबी। तो भैया जी कितने रुपए किलो आती है ये? देसी की जलेबी 400 रुपए किलो बेचते हैं हम। 400 रुपए किलो। ये भगवान के बहुत अति प्रिय है, भगवान कृष्ण को, हमारे गिरिराज जी का भोग लगता है। हाँ। ये पर्सनली भोग के लिए ही बनती है। अच्छा, भगवान के भोग के लिए बनाई जाती है ये। तो हम अब 200-300 साल से बाहर बनाने लग गए, नहीं तो अंदर ही बनती थी भगवान के लिए। अच्छा अच्छा, उन्हीं के लिए, प्रसाद के लिए ये बनाई गई है। अच्छा, तो जी ये आलू की जलेबी तैयार की है जो कि भगवान के भोग के लिए बनाई जाती थी, तब से शुरुआत हुई है आलू की जलेबी। तो जी ये गर्मा गर्म जलेबी। भाई साहब यहाँ का एड्रेस क्या रहेगा? ये भाई जी मिष्ठान भंडार, गिरिराज गली, जदीपुरा, गोवर्धन मथुरा। हाँ, ये इसका एड्रेस है। ठीक, आप अपना मोबाइल नंबर बता दो, कोई भी एड्रेस नहीं मिलता है तो। 9760-93-3227। अच्छा जी, तो ये भैया का मोबाइल नंबर है, जतिपुरा में कॉल कर सकते हो आलू की जलेबी ट्राई करने के लिए। देखते हैं कैसा होने वाला है टेस्ट। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, मैदे वाली तो काफ़ी यूनिक है, गजब का टेस्ट है। आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ है आलू की जलेबी।